नो स्कूल नो फीस अभियान के तहत आज अभिभावकों ने सरकार को जगाने के लिए थाली बजाकर किया अनोखा प्रदर्शन। मुरादाबाद पेरेंट्स ऑफ ऑल स्कूल के बैनर तले अभिभावकों ने आज से सांकेतिक भूख हड़ताल शुरू की। कोरोना रूपी वैश्विक महामारी के कारण आम से लेकर खास तक परेशान है, आर्थिक रूप से सभी परेशान है। ऐसे में स्कूलों के द्वारा फीस के नाम पर अभिभावकों पर बोझ डाला जा रहा है। पूरे प्रदेश के साथ साथ मुरादाबाद जनपद में भी नौ स्कूल नौ फीस अभियान के तहत अभिभावक सड़कों पर उतर आए हैं। लंबे समय से प्रदर्शन हो रहा है, फिर भी सरकार के द्वारा इस ज्वलंत समस्या का कोई हल अभी तक नहीं निकल पाया है। ऐसे में अभिभावकों के सब्र का बांध टूट गया, जिसके बाद आज से अभिभावकों ने मंडलायुक्त कार्यालय के बाहर आज से सांकेतिक भूख हड़ताल प्रारंभ कर दी है। अभिभावकों ने अनोखा प्रदर्शन करते हुए सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने हेतु सड़कों पर थाली बजाओ अभियान चलाया। इस प्रदर्शन में अभिभावकों को एक दर्जन से भी अधिक सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक संगठनों का भी समर्थन प्राप्त है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। स्वाति अंकित अग्रवाल जी मैम, मैं जाके क्या मैसेज आपको दिया है? मैं सोई सरकार को जगाना चाहती हूँ कि आप वो जाके और देखे कि यहाँ आंदोलन छिड़ा पड़ा है, क्यों नहीं हम लोगों की मांगे सुन रही है और इतना गिड़गिड़ाना पड़ा है हमें यहाँ पर। अब देखे सबके हाल कि कैसे कौन जी रहा है अपनी जिंदगी, उन सबका सुने, जाग तो जाए अब तो कम से कम। बिल्कुल थाली बजाइए, कानों तक आवाज जानी चाहिए। अब अनुज गुप्ता एडवोकेट, मैं संयोजक हूँ मुरादाबाद पेरेंट्स ऑफ ऑल स्कूल। आज क्या मैसेज किया आपने थाली बजाओ? हमने थाली बजाओ का अभियान जो है ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी ने ही दिखाया था हमें। उन्होंने कोरोना काल में हमसे थाली बजवा के
जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं उनका हौसला अफजाई कराई थी। आज हमने थाली बजा के शासन के प्रशासन के जो लोग सोए हुए हैं, जिन्हें अभिभावकों की पीड़ा नहीं दिखती, उनकी पीड़ा को बताने के लिए आज हमने थाली बजाई है कि वो लोग कुंभकर्ण की नींद से जागें और हमें इंसाफ दें। अभिभावक जो बहुत परेशान हैं इस कोरोना काल में, जिनके व्यापार चौपट हो चुके हैं, काम धंधे खत्म हो चुके हैं, नौकरी से निकाला जा चुका है, वो किस स्थिति में है ये उसकी पीड़ा को कोई नहीं समझ रहा आज की डेट में। उन लोगों को जगाने के लिए कि वो लोग जागे नींद से, हमारी पीड़ा समझें, अभिभावकों की मांग समझें, ये खाली मुरादाबाद की बात नहीं है, ये पूरे प्रदेश की स्थिति यही है। पूरे प्रदेश में हर जिले में, हर शहर में, हर कस्बे, हर गांव में प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन अफसोस है कि कोई सुनने वाला नहीं है। जो हमें मोदी जी ने राह दिखाई थी, उसी राह को हमने आगे बढ़ाते हुए आज हमने एक थाली बजाई है, जिससे जिले के प्रशासन जागे, जिससे शासन जागे, उत्तर प्रदेश सरकार जागे और अभिभावकों को न्याय मिले। मेरा नाम सैयद मसूदुल हसन है और मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छात्र संघ का पूर्व उपाध्यक्ष हूँ और समाजवादी पार्टी का युवजन सभा प्रदेश पूर्व उपाध्यक्ष हूँ। हमारा मुरादाबाद सांसद डॉक्टर एसटी हसन की तरफ से और तमाम ही समाजवादी पार्टी की तरफ से हर एक अभिभावक का पूरा समर्थन है और उनकी जो जायज़ डिमांड है, जो जायज़ मांग है कि जब पढ़ाई नहीं हो रही, स्कूल कोई बच्चा जा नहीं रहा, तो फीस किस बात की जमा की जाए। प्रदेश के अंदर और प्रदेश सरकार जो है वो इस वक्त हर तरीके से विफल हो चुकी है, हर तरीके से परेशान किया जा रहा है, जनता को लूटने का काम किया जा रहा है। कोरोना के बहाने से एक एक आदमी के रोज़गार पर चाबुक चलाया गया है। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि इस वक्त हमारी अर्थव्यवस्था 23.9% कम हो चुकी है और देश के अंदर जो आर्थिक संकट बना हुआ है उसको देखते हुए हमारी प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से ये डिमांड है कि तुरंत कदम उठाते हुए फीस को स्कूलों की माफ़ किया जाए। और जो स्कूल फीस ये बहाना ले रहे हैं कि साहब अगर हम पेरेंट्स से फीस नहीं लेंगे तो टीचर्स को सैलरी कहाँ से देंगे, तो उन सैलरीज के लिए भी प्रदेश सरकार को ये सोचना है, तमाम स्कूलों को सब्सिडी दी जाए। जो पैसा आलतू फालतू जगहों पे खर्च कर रही है प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार, वो जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है जिसका बहुत ज़्यादा प्रचार किया गया था, वो 20 लाख करोड़ का पैकेज कहाँ गया, किसने खाया ये भी बता दे। जब जनता तक वो पैसा ही नहीं पहुँचा, किसी स्कूल तक वो पैसा नहीं पहुँचा, हर किसी के बारे में सोचने की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकार के ऊपर होती है। और हमारी तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ से, हर पीड़ित पेरेंट को, हर पीड़ित अभिभावक को पूरी तरह से समर्थन है।